हेलो हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम्स इन माय यूट्यूब चैनल टेक रिसर्च विद डॉक्टर उर्मिला रावत। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट इंफॉर्मेशन एज, फेयर यूज एंड सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन कॉपीराइट। आवर टुडेज टॉपिक इज इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। So friends, please watch my video till the end and do not forget to press the bell icon so you will be able to get notification on my latest video. So friends, let's start. Copyright. Copyright एक legal right है जो किसी person को उसके original work पर ऑनरशिप प्रदान करता है ताकि वह अपने कार्य को रिप्रोड्यूस, पब्लिश और सेल कर पाए। कॉपीराइट लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने वाले कार्यों में क्रमशः लेख, वीडियो, संगीत, नाटक, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, कोरियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर इत्यादि शामिल है। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। फ्रेंड्स, कॉपीराइट अधिनियम 1957 इनटू ब्रैकेट कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संशोधित भारत में कॉपीराइट कानून के विषय को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम 21 जनवरी 1958 से लागू है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 भारत में स्वतंत्रता के बाद का पहला कॉपीराइट कानून था और 1957 के बाद से 6 बार संशोधित किया गया है, यानी कि इसमें 6 बार अमेंडमेंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको डिटेल में जानेंगे। इन इंडिया The Copyright Act 1957 is compliant with these international conventions and treaties like Berne Convention of 1886, Universal Copyright Convention of 1951, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights into bracket TRIPS. So, according to all this international act, in India, we have adopted many English provisions and introduced new ideas and concepts. So, friends, according this international acts, हमारे Indian Copyright Acts में कई अंग्रेजी प्रावधानों को अपनाया गया और इसमें कुछ नए विचारों और अवधारणा को भी पेश किया गया और उसके बाद क्रिएटेड कॉपीराइट ऑफिस एंड कॉपीराइट बोर्ड अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट इंडियन कॉपीराइट एक्ट। उसकी एक ऑफिस भी बनाई गई और उसके कार्य करने के लिए कॉपीराइट बोर्ड भी बनाया गया। देन दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट, अर्थात कॉपीराइट के उल्लंघन के खिलाफ नागरिक और आपराधिक उपचार भी शुरू किया गया। सो अब हम कॉपीराइट्स के टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो टर्म्स ऑफ कॉपीराइट इज द जनरल रूल इज दैट कॉपीराइट्स लास्ट फॉर 16 ईयर्स। इट इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथर, अर्थात निर्माता के डेट के अनुसार जो टर्म्स यहाँ इम्प्लीमेंट की गई है उसमें लिटररी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क और आर्टिस्टिक वर्क को इंक्लूड किया गया है। देन डेट ऑफ पब्लिकेशन में जो इंक्लूड किया गया है वो है सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन, वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
सो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट अर्थात कॉपीराइट के अनुसार रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है यह जानने की प्रक्रिया देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नी कन्वेंशंस रजिस्ट्रेशन इज नॉट नीडेड अर्थात बर्नी कन्वेंशन के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिक विद द क्रिएशन ऑफ द वर्क अर्थात कोई भी निर्माता अपना कोई भी कार्य शुरू करता है तो निर्माण कार्य के साथ कॉपीराइट का अधिग्रहण स्वचालित है। देन रजिस्ट्रेशन एज प्राइमा फेशियल एविडेंस अर्थात प्राइमा फेशियल सबूत के रूप में पंजीकरण है। देन कॉपीराइट सिंबल मीन्स इसमें जो सिंबल यूज किया जाता है वो सी करके उसको राउंड में लिखना है। तो यूज ऑफ द सी सिंबल एनी वन हु क्लेम्स कॉपीराइट्स कैन यूज इट अर्थात जो कोई भी कॉपीराइट का दावा करता है, जो भी निर्माता लेखक कॉपीराइट का दावा करता है वह उसका उपयोग कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ रजिस्ट्रेशन टू यूज द डेजिग्नेशंस अर्थात कोई भी निर्माता ऑथर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए पदनामों का उपयोग करने के लिए आवश्यक नहीं है। इट इज हाईली एडवाइजेबल टू इनकॉर्पोरेट अ कॉपीराइट नोटिस अर्थात हमारे जो भी कार्य है, हम निर्माता जो भी कार्य को कॉपीराइट का यूज करना चाहता है वो एक नोटिस देके या भी अपने कार्य के फर्स्ट पेज में इस तरह का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि कॉपीराइट 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, इस तरह का वो एक लिखित विधान लिख के कॉपीराइट सिंबल का उपयोग कर सकता है। असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट अर्थात हमारा जो कॉपीराइट है वो हम किसी और को देना चाहते हैं तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट मे असाइन टू एनी वन पर्सन द कॉपीराइट आइदर होली और पार्शियली अर्थात जो भी निर्माता है, लेखक है, राइटर है वो अपने कॉपीराइट का स्वामी किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः या आंशिक रूप से असाइन कर सकता है। इसमें कुछ प्रावधान है जैसे कि ड्यूरेशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट 5 ईयर्स अर्थात अगर उसने कोई भी लिमिटेशन नहीं दी है तो पहले 5 ईयर्स के लिए वो ड्यूरेशन होगी और अगर उसने ड्यूरेशन दी है तो अकॉर्डिंग लेखक और जो असाइनी निर्माता है उन दोनों के बीच में जो भी प्रावधान किया गया है उसके अनुसार वो कॉपीराइट असाइन कर सकता है। लेकिन द मॉरल राइट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑथर्स कॉपीराइट एंड रिमेन्स विथ हिम इवन आफ्टर असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट अर्थात नैतिक अधिकार लेखक के कॉपीराइट से स्वतंत्र होते हैं और कॉपीराइट के असाइनमेंट के बाद भी उसके साथ बने रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कहने का मतलब यही है कि कोई भी निर्माता, लेखक, राइटर अपना कॉपीराइट किसी और को असाइन करने के बाद भी वो अपने कॉपीराइट से स्वतंत्र होते हैं। काउंटरफेटिंग टू कॉपीराइट अर्थात जालसाजी। तो कॉपीराइट में किस तरह का जालसाजी लोग कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज काउंटरफेट मार्क अर्थात द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन ब्रांड्स बैग्स बाय पुटिंग अ फॉल्स लेबल एंड सोल्ड एट लो प्राइस। फ्रेंड्स, हमने कई बार अपने उत्पादनों के कई आइटमों में देखा है कि गलत लेबल देकर वही उत्पादन हमें कम प्राइस में मिलता है, उसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। देन सेकेंड वन इज काउंटरफेट प्रोडक्ट्स अर्थात कॉपीज ऑफ आर्टिकल सिमिलर टू द ओरिजिनल अंडर अ डिफरेंट नेम अर्थात किसी भी उपभोक्ता या निर्माता के
कोई भी प्रोडक्ट है सेम वही प्रोडक्ट अपने ही नाम के अंदर कोई अलग उपभोक्ता उसमें निर्मित कर सकता है, तो वो भी कॉपीराइट को इफेक्ट करता है। देन थर्ड वन इज इन्फ्रिंजमेंट मिक्स्ड, अर्थात कॉपी फॉर बोथ द मॉडल एंड ब्रांड। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं तो फेक लुइस विटन बैग्स और रॉलेक्स वॉच फॉर इंस्टेंस, अर्थात ब्रांड और मॉडल दोनों को मिक्स करके एक नई प्रोडक्ट बनाना और उसको कम दाम में बेचना। देन लास्ट वन इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, अर्थात कॉपिंग और यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर क्रिएटर विदाउट हिज प्रायर परमिशन। मीन्स जो मूल उत्पादक है, मूल निर्माता है, उसकी प्रायर परमिशन के बिना, उसकी इजाज़त के बिना उसके कार्य को उपयोग करना या उत्पादन में लेना। तो इस तरह के जालसाजी के कई उदाहरण हम लोग आजकल देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते। फर्स्ट वन इज काउंटरफिट मार्क, अर्थात नकली निशान। तो इस तरह के लोगों में हमें देखने को मिलता है कि रियल और फेक कैसे आइटम होती है। देन काउंटरफिट प्रोडक्ट्स, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया गया है प्यूमा, और सेम प्यूमा के लोगो साइड में कैसे अलग तरह के दिखाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है, जैसे कि नाइकी। देन इन्फ्रिंजमेंट मिक्स, तो ये रॉलेक्स वॉच का हमने उदाहरण लिया है, तो वो भी हम देख सकते हैं कि किस तरह फेक आइटम और रियल आइटम के अनुसार ही बनाया जाता है। देन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, विदाउट प्रायर परमिशन उत्पादक को यूज करना। अब हम उसके इन्फ्रिंजमेंट के एक्ट रिजल्टिंग बारे में बात करेंगे। मीन्स एक्ट्स रिजल्टिंग इन्फ्रिंजमेंट, तो मेकिंग इन्फ्रिंजमेंट कॉपीज फॉर सेल और हायर, अर्थात बिक्री या किराए के लिए उल्लंघनकारी प्रतियां बनाना। मीन्स हमारे फायदे के लिए किसी और का उत्पादन सेल करने और किराए के लेने के बनाना। देन परमिटिंग एनी प्लेस वेयर परफॉर्मेंस कॉन्स्टिट्यूट्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, अर्थात किसी भी स्थान की अनुमति देना जहाँ प्रदर्शन कॉपीराइट के उल्लंघन का गठन करता है। मीन्स कोई भी उत्पादकता को कोई प्लेस देना जहाँ वो बाधित है, तो ऐसे कोई भी कार्य जो कॉपीराइट एक्ट को इफेक्ट करता है वो लॉ का उल्लंघन किया जाएगा। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपीज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, अर्थात व्यापार के उद्देश्य के लिए उल्लंघनकारी प्रतियां वितरित करना। मीन्स व्यापारी को उसके उद्देश्य के लिए कॉपीराइट का भंग करना चाहता है। देन पब्लिक एग्जिबिशन ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज बाय वे ऑफ ट्रेड, अर्थात व्यापार के माध्यम से उल्लंघन करने वाली प्रतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी करना या एग्जिबिशन, पब्लिक एग्जिबिशन करना। देन इम्पोर्टेशन ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज, तो ये सारी बातें जो इन्फ्रिंजमेंट करते हैं वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया जाए वही माना जाता है। तो ये सारी बातें जो कॉपीराइट को इफेक्ट करते हैं उसके लिए ये कॉपीराइट एक्ट 1957 हमें क्या सिविल रेमेडीज देता है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज इंजेक्शन मिस निषेधक, अर्थात कॉपीराइट उल्लंघन एक कानूनी अपराध है वो कहा जाएगा। देन डैमेजेस, तो हर्जाना, तो जो भी कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करता है उसे हर्जाना देना चाहिए, ये प्रावधान कॉपीराइट एक्ट में दिया गया है। थर्ड वन इज अकाउंट एंड हिसाब किताब मिस पेमेंट के बारे में। देन डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी या उसका वितरण करना वो भी कॉपीराइट का उल्लंघन है। डैमेजेस फॉर कन्वर्जन, अर्थात रूपांतरण, वो भी कॉपीराइट का एक
नुकसान माना जाएगा। तो ये सारी बातों के लिए सिविल रेमेडीज में ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्थात जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो भी आता है उसके तहत नागरिक अपना कॉपीराइट के लिए हर्जाना मांग सकता है। देन अगेन हम देखें तो क्रिमिनल ऑफेंसेस इफ डन नोइंगली अर्थात किसी भी व्यक्ति ने जानबूझकर कॉपीराइट का उल्लंघन किया है तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा और उसके लिए इम्प्रिजमेंट यानी कि कैद होना आवश्यक है। देन 3 ईयर 6 मंथ्स का उसको जेल होता है और फाइन यानी कि जुर्माना भी होता है 50,000 से लेकर 2 लाख तक का। देन सीजर ऑफ इंफ्रिजिंग कॉपीज अर्थात जो भी उल्लंघन किया गया है वो प्रतियों की जब्ती की जाएगी। लिमिटेशन टू कॉपीराइट अर्थात ये जो कॉपीराइट एक्ट दिया गया है उसकी मर्यादा क्या है वो देखे तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओनली आइडिया एक्सप्रेशन डिक्टोमी अर्थात प्रोटेक्ट्स ओनली द ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड नॉट द आइडिया देमसेल्व्स अर्थात ये कॉपीराइट के तहत केवल विचारों की मूल अभिव्यक्ति की रक्षा करता है ना कि मूल विचारों की। सेकेंड वन इज द फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन अर्थात पहली बिक्री का सिद्धांत यह दिया गया है। देन दिस इम्प्लाई डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द ओनर ऑफ अ कॉपी फ्रॉम रीसेलिंग लेजिटिमेटली ऑब्टेन कॉपीज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स अर्थात कॉपीराइट की गई प्रतियोगी की वैध रूप से प्राप्त प्रतियों को फिर से भरने से कॉपी के मालिक को प्रतिबंधित नहीं करता है। अगेन उसको फेयर यूज एंड फेयर डीलिंग क्या है वह हम जानने का प्रयास करें तो फ्रेंड्स फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च और प्राइवेट स्टडी कॉपीराइट करना फेयर यूज कहा जाता है। मीन्स कोई भी स्टूडेंट्स फैकल्टी अनुसंधान या रिजीर अध्ययन के उद्देश्य से अगर कॉपी करता है तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। देन सेकेंड वन इज फॉर लर्निंग एंड टीचिंग इन अ क्लासरूम अगर क्लासरूम में सीखने और सिखाने के लिए कॉपी किया गया है तो वह कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। देन थर्ड वन इज फॉर क्रिटिसिज्म और ओवरव्यू अर्थात आलोचना या अवलोकन के लिए अगर कॉपी किया गया है तो वो फेयर यूज माना जाएगा अर्थात वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। देन फॉर रिपोर्टिंग करंट इवेंट अर्थात वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए अधिक कोई कॉपी या प्रतियोगी प्रतिलिपि यूज किया गया है तो वह कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है और वो फेयर यूज माना जाएगा। देन इन कनेक्शन विद ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग अर्थात न्यायिक कार्यवाही के संबंध में अगर कोई प्रतिलिपि निकालता है तो वह फेयर यूज माना जाएगा। देन परफॉर्मेंस टू नॉन पेइंग ऑडियंस अर्थात जो भुगतान न करने वाले दर्शकों के लिए अगर प्रदर्शन किया गया है तो वो फेयर यूज है। एंड उसके अनुसार अदर स्पेसिफिक कंडीशन हम देखें तो वो क्या विशिष्ट शर्तें हैं। सम गवर्नमेंट्स वर्क्स आर एग्जेम्प्टेड इन इंडिया मीन्स भारत में कुछ सरकारी कार्य को प्रतिलिपि या प्रतिनिर्माण की छूट दी गई है और एक्ट ऑफ अ लेजिस्लेटर तो यह एक विधानमंडल का कार्य माना जाएगा। रिपोर्ट ऑफ अ कमिटी कमीशन काउंसिल बोर्ड और अदर लाइक बॉडी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अर्थात एक समिति आयोग परिषद बोर्ड या सरकार द्वारा नियुक्त निकाय जैसे अन्य रिपोर्ट
देन फाइनली जजमेंट्स और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर जुडिशियल अथॉरिटी, यह सारी न्यायालय न्यायाधिकरण या अन्य न्यायाधिक प्राधिकरण के निर्णय या आदेश अगर कोई कॉपी करता है तो वो रिसर्च के लिए है तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अर्थात वो फेयर यूज में गिना जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कुछ समरी या सारांश के प्रावधान हम देखें तो ईच कंट्री हैज़ ओन लॉ कॉम्प्लायंट टू एनी इंटरनेशनल कन्वेंशन, अर्थात किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रत्येक देश के अपना एक कानून अनुपालन होता है। देन कॉपीराइट प्रिवेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया नॉट आइडिया इट्सेल्फ, अर्थात कॉपीराइट आइडिया के वितरण को रोकता है न कि आइडिया को। इट सेफगार्ड्स इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स, अर्थात यह रचनाकारों या तो निर्माता के हित की रक्षा करता है। इट एनकरेजेस पीपल टू क्रिएट समथिंग न्यू, अर्थात यह लोगों को कुछ नया बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, अर्थात पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। इकोनॉमिक राइट्स कैन बी असाइन टू अनदर पर्सन, अर्थात आर्थिक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। इन्फ्रिंजमेंट इज द क्रिमिनल ऑफेंस इफ डन नॉइंगली, अर्थात अगर जानबूझकर किया गया है तो यह उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।